हाय गाइस, दिस इज यर यू आर वाचिंग मार्केट आवर जॉब एंड फुल फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो, आज की जो बनने वाली है सिक्योरिटीज कंपनी की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यस सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें। मैं काफ़ी देखता हूँ कि व्यूअर्स जो रहते हैं, देखने वाले वीडियो रहते हैं, वो 100, 200, 300 में रहते हैं। सब्सक्राइबर्स मिलता हम लोगों को बहुत कम। वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेगा तो आप भी कंफ्यूजन में रहोगे, हम लोगों को कंफ्यूजन में डालोगे, क्योंकि आपको पुराना वीडियो मिलेगा, पुराना वीडियो देख के आप कॉल करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को टच कर लो। तो गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है सिक्योरिटीज कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। मिनिमम 20 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, 20 कैंडिडेट्स चाहिए सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। सुपरवाइजर सैलरी भी सुपर ही देखने को मिलेगी इसमें। स्टार्टिंग सैलरी 17,000 रुपए कंपनी के द्वारा फिक्स, स्टार्टिंग सैलरी 17,000। सुपरवाइजर में वैसे 17,000 सैलरी नहीं रहती है, G4S सिक्योरिटीज जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है उनमें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां रहती है उसमें जो वो सैलरी देखने को नहीं मिलेगी आपको। इसमें 17,000 सैलरी रहती है, प्लस ये है कि 6 दिन वर्किंग डेज रहता है आपको, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते का 6 दिन काम करना रहता है, बोले तो कंटिन्यू काम नहीं करना है, हफ्ते का एक छुट्टी भी मिलता है आपको, जो संडे संडे रहती है आपको, हर संडे आपको एक वीक ऑफ मिलती है कंपनी के द्वारा। तो 26 डेज आपका वर्किंग डेज रहता है, 26 दिन का आपको 17,000 रुपये फिक्स सैलरी रहती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो 6 महीने के बाद ही आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, और वो भी डायरेक्ट 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपया। तो 17 और 2, 19,000 अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो 19-20,000 तक आपकी सैलरी जाती है। और जॉइनिंग के जस्ट 3 मंथ्स बाद, 3 महीने के बाद ही कंपनी इसमें ESIPF चालू करती है। वैसे अगर देखा जाए तो ESIPF जो रहता है वो काफ़ी सारी कंपनियां 5 महीना 6 महीना के बाद जो है कैंडिडेट्स की चालू करती है, लेकिन इस कंपनी में आपको जस्ट 3 महीने के बाद ही आपका ESIPF चालू हो जाता है। तो गाइस, लोकेशन बेंगलोर। क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम कंपनी 12th पास मांगती है, क्योंकि सुपरवाइजर पोस्ट के लिए गार्ड कंट्री करना है, लिखा पढ़ा करना, लिखाई पढ़ाई करना है, वो सारा काम रहता है। तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, सिर्फ और सिर्फ लड़के लोगों के लिए। लैंग्वेज हर वीडियो में जैसा बोलता हूँ, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, इंग्लिश, और भी लैंग्वेज आती तो चलती है यार, ऐसा नहीं है कि मैं आसामी नहीं बोला या फिर गुजराती नहीं बोला, कोई भी लैंग्वेज चलती है। एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स में और मिनिमम 12th पास होना चाहिए। रूम की फैसिलिटी कंपनी के द्वारा, नो फूडिंग, फूड नहीं है इसमें, खाना नहीं मिलता इसमें। मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि काफी कैंडिडेट्स जो है अगर रूम का बोलेंगे सर खाना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा भाई। जब कंपनी खाना नहीं दे रही तो मैं क्लियरली वीडियो में बोलता हूँ कि इसमें खाना नहीं मिलेगा, जब कंपनी रूम दे रही तो बोलता हूँ कि रूम मिलेगा। आप दोनों चीजों को एक साथ में मत कीजिए, जहाँ रूम मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कंपनी खाना भी देगी। और दूसरी बात है कि सिक्योरिटीज कंपनी में रूम तो मैंने सुना है रूम देती है कंपनियां, लेकिन खाना कोई नहीं देती सिक्योरिटी गार्ड्स में, कोई भी जो है खाना प्रोवाइड नहीं करते। कहाँ रहता कि अगर आप पीजी में काम कर रहे हैं या फिर कहीं होटल या हॉस्टल में काम करते हैं तो वहां आपको खाना मिल सकता दोपहर का या शाम का जो भी है, लेकिन दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन एरिया हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन हुआ, अपार्टमेंट्स हुआ, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट हुआ, इन सब में जो है खाना लंच नहीं दिया जाता सिक्योरिटी गार्ड्स को। तो सिर्फ और सिर्फ रूम की फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगी। अच्छी जॉब है, जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट्स सिक्योरिटी सुपरवाइजर लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करेंगे रिस्पॉन्स हैंड टू हैंड मिलेगा आपको, कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन लास्ट 5 o'clock तक
सुबह 10 बजे से लगाकर 5 बजे तक आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। जैसा हमेशा बोलता हूँ कि रात में कॉल नहीं करें, रात में कॉल करने से हम लोगों को डिस्टर्ब होता है मेरे भाई। लास्ट मंथ में तो बहुत ही गजब हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि आपने वांटेड पिक्चर देखी ना, वांटेड सलमान खान की, उसमें प्रकाश जी रहता है ना जो विलेन का रोल करते हैं, उनको मतलब समुद्र में लिया जाता लेके जाते हैं और मतलब बड़ी जहाज के अंदर, फिर उसको क्या बोला जाता पता है, इसको सोने मत देना। तो वही कंडीशन हम लोगों की हो गई थी, सोते हैं रात के 12 12 1 1 बजे रिंग हो जाता फोन, फिर रिंग हो जाता फोन, काटते हैं डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर रिंग हो जाता। कहने का मतलब है कि रात के 11 12 12 बजे भी जो है कॉल करते हैं कैंडिडेट्स, और अगर स्विच ऑफ कर दे फोन तो कमेंट्स आपको भर भर के मिल जाएगा। फेक कंपनी है, पागल कंपनी है, पागल बनाती है, किसी को जॉब नहीं मिलता है, फोन करो तो फोन नहीं उठाती है, मतलब क्या क्या कमेंट्स करते रहते हैं, खुद का फॉल्ट नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं किस टाइम कॉल कर रहा हूँ और किस समय कॉल कर रहा हूँ, वो नहीं देखते हैं। तो गाइस रात के समय कभी भी कॉल नहीं करें, सुबह 10 बजे से लगाकर 5 बजे के बीच आप कॉल करें, आपके पास पूरा टाइम है। संडे सैटरडे कॉल नहीं करें, संडे सैटरडे आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई देते हैं, पूरा का पूरा रिप्लाई देते हैं, और जितने भी सारे कमेंट्स आते हैं उन सबका रिप्लाई भी देते हैं। तो गाइस अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए, मिस नहीं करें। और लिमिटेड पोस्ट है इसमें, ओनली ओनली 15 15 कैंडिडेट्स ही चाहिए। तो गाइस जल्दी से अप्लाई करें। फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जॉब अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।